गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम लोग सीखेंगे बॉल बेयरिंग के बारे में। बॉल बेयरिंग का ऊपर में जो नंबर होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और वो जो नंबर होता है आपका हो गया 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, जो भी नंबर है वो नंबर का एक एक वैल्यू होता है और उसका एक मीनिंग भी होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि वो नंबर का, एक एक नंबर का क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बॉल बेयरिंग के बारे में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एस्केप का बेरिंग का सीरीज नंबर लिख दिया है, ये हो गया आपका बेरिंग का ऊपर में ऐसे ही लिखा होता है, आप देख लीजिए कोई भी। एस्केप 6207 डैश 20 डैश C3। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये 6 है, ये 2 है, ये 07 है, 20 है, 63 है, इसका एक एक जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो जो नंबर है क्या दर्शाता है हम लोग को। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेरिंग में नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है, पहला वाला पहला डिजिट जो होता है उसको फर्स्ट डिजिट बोलते हैं, सेकंड वाला जो होता है उसको सेकंड डिजिट है, और लास्ट में जो होता है 2 07, मान लीजिए ये 2 डिजिट है, उसको हम लोग थर्ड बोल के पकड़ेंगे। पहला वाला फर्स्ट, सेकेंड वाला सेकेंड, और लास्ट का जो 2 रुकेगा उसको हम लोग थर्ड बोल के पकड़ेंगे। ठीक है, और ये 2 जेड उसको फोर्थ, और ये वाला 5। ठीक है, देख लीजिए हो गया। पहला वाला जो 6 है वो आपको बेरिंग बेरिंग का टाइप दर्शाता है, जैसे कि आपका कौन सा टाइप का बेरिंग है। दोस्तों, बॉल बेरिंग बहुत टाइप का होता है, तो उसी उसी के अंदर से आपको दर्शाता है कि कौन सा बेरिंग है, पर 6 नंबर में कौन सा बेरिंग आएगा वो टाइप का बेरिंग दिखाएगा। और 2 होता है आपका बेरिंग का सीरीज, बेरिंग का सीरीज भी बहुत होता है, जैसे 4 सीरीज होता है बॉल बेरिंग का, वो 4 सीरीज दर्शाएगा अभी। और आपका 07 07 हो गया आपका बेरिंग का जो बोर साइज होता है, बेरिंग का अंदर में जो होल होता है उसका जो बोर का साइज होता है वो हम लोग पता कर सकते हैं। और उसके बाद हो गया आपका 2 जेड, मैं 2 जेड इधर लिख लिया। 2 जेड का, आप 2 जेड का मतलब हो गया सीलिंग, तो आपने देखा होगा उसमें रबर सील भी होता है, मेटल वाला सील भी होता है, एक साइड होता है, 2 साइड होता है। तो ये 2 जेड जो लिखा हुआ है और भी लिखा होता है, जैसे 1 RS, 2 RS, 1 जेड ऐसे लिखा होता है, तो उसमें से हम लोग को पता चलेगा कि ये कौन सा सीलिंग लगा, सॉरी कौन सा सील लगा हुआ है और किस टाइप का सील लगा हुआ है और कितना लगा हुआ है, मतलब 1 साइड लगा हुआ है ना 2 साइड लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो 5 5 डिजिट में आता है जो C3 C3, ये होता है इधर लिखा हुआ है, ये C3 है, ये आपका इंटरनल क्लियरेंस दिखाता है, बोर्ड का जो इंटर बेरिंग का जो इंटरनल क्लियरेंस होता है ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए अभी बेरिंग का टाइप पे आते हैं। तो फर्स्ट डिजिट, ये है आपका फर्स्ट डिजिट है 6, तो फर्स्ट डिजिट क्या दर्शाता है, आपको तो बोला था बेरिंग का जो टाइप होता है वो दर्शाता है, तो फर्स्ट डिजिट बेरिंग का टाइप, और ये है 6। अगर 6 लिखा हो तो ये आपका ड्रिफ्ट ग्रूव बॉल बेरिंग है। अगर आपका बेरिंग का सीरीज में फर्स्ट डिजिट अगर 6 है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये ड्रिफ्ट ग्रूव बॉल बेरिंग है। ठीक है, अभी सेकंड सेकंड सीरीज सेकंड डिजिट में ये हो गया आपका सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट में 2 लिखा हुआ है, 2 में क्या होता है बेरिंग का सीरीज पता चलता है, फर्स्ट में आपका पता चलता है बेरिंग का टाइप, 2 में आपका होता है सीरीज, सीरीज में आपका इधर 2 लिखा हुआ है, ये हर सी आई कैन सी दिस इज 2, 2 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 में क्या है, ये सीरीज है, और इसमें 2 में आपका लाइट है, ये 6207 ये बेरिंग जो है ये लाइट बेरिंग है। तो हम लोग इसमें देख लेंगे सीरीज में क्या क्या होता है, पहले तो 0 आता है, 1 2 3 4, तो मतलब 5 हो गया, 5 सीरीज होता है, तो 0 में क्या होता है, 0 हो गया आपका एक्स्ट्रा लाइट। ठीक है, 0 हो गया आपका एक्स्ट्रा लाइट, और 1 हो गया आपका एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट, थ्रस्ट है, एक्स्ट्रा लाइट है लेकिन थ्रस्ट है, और आपका 2 हो गया लाइट बेरिंग है, और 3 हो गया मीडियम मिनिमम मिनिमम बेरिंग है, और आपका 4 हो गया हैवी बेरिंग है। ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका हो गया फर्स्ट डिजिट भी हो गया, सेकंड डिजिट टाइप ऑफ बेरिंग पता चल गया अभी आपको, और अभी आपको पता चला सीरीज बेरिंग का सीरीज भी। अभी 5 डिजिट फोर्थ डिजिट में आएंगे हम लोग, सॉरी थर्ड डिजिट में आएंगे,
और थर्ड में क्या होता था आपका बोर का साइज, है ना, बोर का साइज है ना, थर्ड में आपका बोर का साइज है, ये है आपका थर्ड। हम लोग इसका थर्ड है ना, ये 2 डिजिट का हम लोग थर्ड पकड़ा था, इसमें लिखा हुआ थर्ड, तो इसका बोर का साइज है हम लोग का, ये कितना है, 07 है, 07 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग 05 तक तो है, तो 07 कैसे निकालते हैं मैं बता देंगे, मैं बता अभी बता देंगे आपको। तो 00 का मीनिंग होता है आपका 10 mm, अगर 01 लिखा है तो आपका मीनिंग होगा, बोर का साइज़ का मीनिंग होगा आपको 12 mm, और 02 लिखा हुआ है तो आपका मीनिंग होगा 15 mm, और अगर 03 लिखा है तो आपका 17 mm होगा। उससे ये तो आपका फिक्स आता है, उसके आगे क्या होता है कि आपका 04, 05, 06, 07 जो भी लिखा होता है उसमें क्या करना पड़ता है, ये जो नंबर होता है इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं इधर मल्टीप्लाई किया है 5 को मल्टीप्लाई किया है, तो 5 × 4 20 mm, अगर 4 होगा तो 20 mm, तो उसमें आपका कितना था, 07, एक सेकेंड लिख लेता हूँ, 07, सॉरी पेन, 07 × 5 ये हो गया 35 mm। तो हम लोग का वो बेरिंग का जो ये बेरिंग है, बेरिंग का जो बोर साइज होगा 35 mm, 35 mm, ठीक है। अभी फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट भी हो गया, थर्ड डिजिट हो गया, अभी बाकी रुक गया फोर्थ। फोर्थ में क्या आता है, फोर्थ में आपको बोला था मैं सील, सील का आता है, टाइप ऑफ सील, कैसा सील है, तो फोर, ठीक है, फोर ये सील है। तो अगर कुछ लिखा नहीं है, प्लेन लिखा हो तो उसमें सील नहीं होगा, दो साइड ओपन होगा, ओपन बेरिंग है वो। अगर जेड लिखा होगा, इनकेस अगर जेड लिखा हुआ है तो वो वन साइड मेटल सील होता है। अगर 2Z लिखा हुआ है तो उसमें 2 साइड मेटल सील होगा। RS बोलने से आपका हो गया रबर सील, सिर्फ RS लिखा है तो 1 साइड रबर सील होगा, रबर सील 1 साइड, और 2RS लिखा है तो आपका रबर सील 2 साइड होगा। ये तो वेरी सिंपल, आप लोग को पता चल जाएगा, जेड बोलने से हो गया आपका 1 साइड मेटल, 2Z बोलने से 2 साइड मेटल, जेड बोलने से मेटल है वो माइंड में रखने से हो गया, और RS बोलने से रबर सील है, ठीक है। तो हम लोग का बेरिंग का क्या था, बेरिंग का हम लोग का 2Z था, 2Z बोलने से आपका क्या होगा, 2Z बोलने से आपका होगा 2 साइड मेटल सील, या अभी आपका बच गया C3, यानी कि आपका क्या है 5 डिजिट। फर्स्ट नंबर में आता है आपका क्या आता था, 5 नंबर में आपका आता है यहाँ से इंटरनल क्लियरेंस, जो बोर का इंटरनल क्लियरेंस होता है वही है। तो इसमें 5 C2 लेस देन स्टैंडर्ड क्लियरेंस, आपका वो स्टैंडर्ड क्लियरेंस से होता है, तो ये पार्ट टू में मैं आप लोग को उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो C3 होता है लार्जर देन स्टैंडर्ड क्लियरेंस, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे थे कि एस्केप एस्केप बेरिंग, जो बॉल बेरिंग होता है उसका जो सीरीज नंबर होता है उसका बारे में आप लोग को बता दिया मैं। जैसे 6207, 6 हो गया फर्स्ट डिजिट, 2 हो गया सेकेंड, ये 07 हो गया थर्ड डिजिट, 2Z हो गया आपका सीलिंग का बारे में होता है, सील का, और ये हो गया आपका इंटरनल क्लियरेंस, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बेरिंग का बारे में पता चल जाएगा, अगर बेल बेरिंग होगा, बॉल बेरिंग होगा तो आप आसानी से मतलब उसका नंबर देख के आप पता कर सकते हैं कितना बोर्ड का साइज़ है, कौन सा टाइप का है, सीरीज कौन सा है, और सील कितना लगा हुआ है, और उसका इंटरनल क्लियरेंस कौन सा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए।